ओम शांति। आज हम सभी बाबा की इस वरदान भूमि में बैठे हैं, जहां आवाहन है अनेकानेक आत्माएं बाबा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए इस स्थान पर आकर आत्मा का अनुभव, बाबा से मिलने का अनुभव करके वर्षा प्राप्त कर सके। हम सभी जगा रहे हैं, आज बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। 8 तारीख की मुरली है और मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने और तुम्हारे करैक्टर सुधारने। तो जब बाबा आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, हमारे करैक्टर अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? वो फिक्रा चाहिए, हम पतित से पावन कैसे बने। ये मूल फिक्रत, अभी हमारे हर कर्म पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म, पवित्र कर्म हो और योग अग्नि से पिछला खाता भस्म हो जाए तब तो पावन कहलाएंगे ना। ना पिछला खाता विकर्मों का है, ना आगे विकर्म हो रहे हैं, ये हमारी पावन स्टेज है। तो फाना है सारी दुनिया को ये पता नहीं है गीता का भगवान कौन है। वो क्या समझते हैं? कृष्ण गीता का भगवान है, ये समझते हैं। हम कहते हैं कौन है गीता का भगवान? परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, वही गीता का भगवान है, वही ज्ञान का सागर है, मुख्य है सर्व शास्त्र शिरोमणि गीता। भगवान के लिए कहते हैं हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी। कृष्ण के लिए तो ऐसा नहीं कहते। बाप जो सत्य है जरूर सत्य ही सुनाएंगे। दुनिया पहले, अब देखो बाबा सत्य कहानी क्या सुना रहे हैं, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। दुनिया पहले नई सतो प्रधान थी। अब बाबा कथा शुरू करते हैं। दुनिया पहले नई सतो प्रधान थी और वही दुनिया अब पुरानी तमो प्रधान बन गई है। दुनिया अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो हम क्या कहते हैं? दुनिया बनाने वाला है, बिगड़ी बनाने वाला है, विश्व में परिवर्तन लाने वाला है। ये दुनिया पुरानी तमो प्रधान है, दुनिया बदलने वाला एक बाप ही है। कैसे बदलते हैं ये समझाना चाहिए। आत्मा जब सतो प्रधान बने तब दुनिया भी सतो प्रधान स्थापेगी, ये सतो प्रधान युग आ जाएगा। पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुखी होना है, जास्ती ठीक ठीक नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देखकर पूछते रहते हैं,
पहली पहली समझानी एक बात की चाहिए, जास्ती पूछने की मार्जिन न मिले। इनको ही बात कहते हैं ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा कहते हैं तुम अपने अनेक जन्मों को नहीं जानते थे। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। पहले पहले कौन सा ज्ञान देते हैं? अलिफ का परिचय देते हैं। कितना महत्व है एक बाप का परिचय, तब बुद्धि एकाग्र होगी, एक की याद में रहेगी, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, एक बाबा से प्रीत जुट जाएगी, एक ही श्री पद पर चलने लग जाएंगे। एक ही बुद्धि में परिचय नहीं बैठा तो प्राप्तियां नहीं हो सकती। तो कितना बाबा समझे ना, किसी से पूछो शिव बाबा कब इस धरती पर आए, वो कहे पता नहीं कहां कैलाश पर्वत पर रहे। हाँ कब आए जानते ही नहीं। जैसे कृष्ण जयंती मनाते हैं तो समझते हैं ना कि कृष्ण यहाँ आए, यहाँ उनका जन्म हुआ, ये मानते हैं। शिव बाबा आए, उनको कब आए कहाँ आए ये नहीं जानते। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना। किस बात की शिक्षा देते हैं? करैक्टर सुधारने की शिक्षा देते हैं। और करैक्टर सुधरा हुआ है इसकी पहचान है आत्मिक दृष्टि। भाई भाई कोई करैक्टर नहीं है, सब में विकार है। ये है पतित विशियस दुनिया। फिर क्या होगी वाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी, ये बाप बैठकर समझाते हैं। सिवाय बाप के कोई बना नहीं सकता है। करैक्टर बदलना, संस्कार बदलना, पतित को पावन बनाना, ये किसी मनुष्य का काम नहीं है, ये स्वयं परम पिता परमात्मा का कार्य है। बाप पवित्र बना रहे हैं, ये सब गुप्त बातें हैं। हम आत्मा हैं, पहला पाठ पक्का करना है। आत्मा को परमात्मा से मिलना है। सब पुरुषार्थ करते हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान कौन है? एक निराकार है, वो लिबरेटर है, गाइड भी है, उनको परमात्मा कहा जाता है। दूसरे धर्म वाले को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे, क्योंकि वो धर्म वाले आते हैं उनके पीछे उनकी सारी आत्माएं आ जाती हैं, वो गाइड करके लिबरेट करके कहां ले जाते हैं, वो तो कहीं ले नहीं जाते। इसलिए एक शिव बाबा को ही लिबरेटर और गाइड कह सकते हैं। वही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले ये एक ही बात बुद्धि में बिठाओ, समझ गए। बाबा सेवा करने का तरीका सिखाते हैं, बहुत बातों में नहीं जाओ, बहुत डिस्कशन में नहीं जाओ, पहले एक बात बुद्धि में बिठाओ। अगर ना समझे तो उसके पीछे नहीं पड़ो, छोड़ देना चाहिए। अलिफ को नहीं समझा तो बे से क्या फायदा होगा। हाँ, अलिफ माना बाबा अल्लाह और बे माना बादशाही, भल चला जाए। अगर एक बाप का परिचय नहीं समझा, भल चला जाए तो मुझो नहीं, तुम बेफिकर बादशाह हो, असुरों के विघ्न पढ़ने ही हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले क्या करना है, बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं, और बाबा की श्रीमत सुनानी है। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो।
जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी है, और धर्म वाले कोई डायनेस्टी स्थापन नहीं करते हैं, बाप आकर सबको मुक्त करते हैं। अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है। आते हैं ना, तो उनके और फॉलोअर्स की आत्माएं भी आती हैं, उनकी तो वृद्धि होनी है। वो आकर मुक्ति नहीं देते, वो अगर मुक्ति दें तब तो ड्रामा का पार्ट बंद हो जाए। बाबा ही आते हैं कलयुग के अंत में, सबको मुक्ति धाम का रास्ता दिखाते हैं। उनको तो पतित बनना ही है, पतित से पावन बनाना एक बाप का काम है। वो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगे, इसमें तो कोई बड़ाई की बात ही नहीं है, महिमा है सिर्फ एक की, जो आकर पतित से पावन बनाते हैं, नई दुनिया स्थापन करते हैं, उनकी महिमा है। वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते हैं, उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो गॉड फादर ही है। क्राइस्ट ने क्या किया, उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, नीचे उतरती रहती हैं। दुख से छुड़ाने वाला एक बाप है। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। क्राइस्ट कोई दया नहीं करते, समझ गए, क्योंकि वो आत्माएं परम धाम समोसा में आलू है, समोसा में कौनी, समोसा में कैसे कौन कौन हो चली, रोटी हूँ पूरी हूँ कौन रोटी रोटी पूरी हूँ सकाल नास्ता बाबा भोग देना चाहता है, बदल जाएगा। बाबा ने कहा ना, बाबा को याद कर में तो अपार सुख होंगे, लेकिन दुख धाम में बैठे हुए भी बाबा पहले पहले खुशी की बात देनी है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा के संपत्ति के बच्चे अधिकारी हैं। बाबा स्वर्ग रस्ते हैं तो बच्चे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। पहले प्राप्ति की बात बताओ तो खुशी होगी। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा जानते हैं अपना अटेंशन खिंचवाना है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, बार बार अटेंशन खिंचवाकर कौन आज बने सुनी नाश्ता, आज नाश्ता बने आए थे खिचड़ी, हाँ खिचड़ी आओ और डालमा ये खेचड़ी ना खेचड़ी खेचड़ी हाँ आलू चपटा बनाऊँगी बन्ने बन्ने सरी है जी रही है जी बन्ने सरी है जी कौन था जी आलू चपटा।
खाने में भी एक रस रहेगी। अगर अपना मन किसी बात से दुखी हो गया, डिस्टर्ब हो गया, उस समय किसी को बाबा का परिचय दे सकेंगे, कहेंगे तो उससे एक रस रहेंगे सेवा में, हमेशा हाजिर रहेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ न लो, ଡାଲମା ଭାତ ବାସ ପୋଟଳ ଭଜା ପୋଟଳ छोटी सी बिंदी हूँ, सूक्ष्म रूप है। 80 जन्मों का राज तुम्हारी बुद्धि में है, तुम ज्ञान का स्वरूप बनकर ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रतन कितना अमूल्य है। इनकी वैल्यू कोई कर नहीं सकता, इसलिए बाबा कहते हैं तुम कौन हो। फिर कहते हैं मूल बात है, क्या मूल बात? बाप को और 84 जन्मों के चक्र को याद करो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, तुम ही 84 जन्म लेते हो। ये बड़ी समझ नहीं होती उन्हें, पता था फिर कलयुग में जा रहे हैं, गिरावट में जा रहे हैं, हम ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो, भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्य सुनकर वंडर खाते हैं, या कहेंगे हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, वहां क्या पढ़ते हो? मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ऐसा जवाब देते हैं। हम मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। नशा चाहिए, नशा चढ़ा होगा तो ऐसा जवाब निकलेगा। तुम्हारे चित्र भी फर्स्ट क्लास हैं। धन दान पात्र को देखकर दिया जाता है। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे? शिव के मंदिर में। पतित पावनी गंगा है या परमपिता परमात्मा है? सर्व की सदगति पानी करेगा या बेहद का भाप करेगा? तुम इस बात पर ये रोज करना है, ये दान करते हो। कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा विश्व का मालिक बनाते हो। भारत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। गई। चली गई। पढ़ते जाए हाँ, लाइट आएगी, प्रेम के आंसू आ जाए तो वो आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। इतना प्रेम से याद करना है। अपना समय भविष्य प्रलब्ध बनाने में सफल करना है। दूसरा पॉइंट है अंतर्मुखी होकर सबको अलिफ का परिचय देना है। ज्यादा तीक तीक नहीं करने है, एक ही फुरना रहे, ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जो सजा खानी पड़े।
वरदान। स्मृति के स्विच द्वारा, स्मृति के स्विच द्वारा स्व कल्याण और सर्व का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्थिति का आधार स्मृति है, ये शक्तिशाली स्मृति रहे कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। इसी स्मृति से स्वयं की स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएगी। जैसे स्विच ऑन करने से रोशनी हो जाती है, ऐसे ये स्मृति भी एक स्विच है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन हो तो स्वयं का और सर्व का कल्याण करते रहेंगे। नया जन्म हुआ तो नई स्मृतियां हो, पुरानी सब स्मृतियां समाप्त। इसी विधि से सिद्धि स्वरूप का वरदान प्राप्त हो जाएगा। नया जीवन, नई स्मृतियां, तो ऐसी स्थिति, तो ये सिद्धि स्वरूप का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। समझ गए? ओम शांति। हम सब आज ब्राह्मण परिवार के भाई बहन, उड़ीसा निवासी, विशेष ईस्टर्न जोन के भी काफी, आज मधुबन को यहाँ सागर की किनारे पर स्वागत करते हैं, क्योंकि पहाड़ियों की शिखर से उतर करके पश्चिम देश से आज ये सागर के तट पर पहुंचे हैं हमारी आदरणीय दादी जी, साथ में मोहिनी बहन जी, भ्राता निर्भर जी, भ्राता करुणा जी, भ्राता मृत्युंजय जी और काफी मधुबन निवासी हमारे शांतनु भाई, अर्जुन भाई, छोटेलाल भाई, वल्लभ भाई, राजू भाई, राजेंद्र भाई, गोकुल भाई आदि आदि, और साथ में 40-50 मधुबन के करीब, और हमारे दिल्ली से सुशांत भाई, मीडिया विंग के विशेष सेवाधारी, तो सूर्य भाई जो वीडियो का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कल से सेवा में है, और हमारे ईस्टर्न जोन से भी काफी बहने आए हैं। बाबा की एक एक स्टेट में सेवा स्थानों को एस्टैब्लिश करने में, स्थापना करने में ब्रह्मा बाप समान पार्ट इनका रहा। तमिलनाडु कहिए, ईस्टर्न जोन के साथ कहिए, और मधुबन में भी मधुबन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांति वन कॉम्प्लेक्स, पीस पार्क आदि आदि सब स्थापना करने में बहुत इनको बाबा मददगार के रूप में, राइट हैंड के रूप में लिया है। आजकल विशेष जो विंग्स के सेवा हो रहे हैं, ग्रास रूट लेवल तक जा रहा है सेवा, तो मीडिया विंग में वाइस चेयरपर्सन आप हैं करुणा भाई जी, तो यहाँ कल्प में पहली बारी, कल्प रे प्रथम थर करुणा भाई जी ये ओडिशा धरणी को आसी यादगार भूमि जगन्नाथ धाम को मध्य आसी कटक महानगरी को मध्य पहुँचले। बहुत जोर से करता है, पहली बार श्री गणेश हुआ, इसलिए मधुबन में हमारे जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जितने वीआईपी जाते हैं, बड़े बड़े टॉप वीवीआईपी सबकी सेवा बहुत प्यार से करते हैं, उनको बाबा का बच्चा बना लेते हैं। और आजकल एजुकेशन विंग के मृत्युंजय भाई वाइस चेयरपर्सन है, वो भी हम सबके बीच में इस मेला में, छोटा सा मिनी मेला में, और विशेष इस शिवश्री की, प्यार से शिवश्री कहते हैं, और आईआरसी की फास्ट फेज उद्घाटन पर दादी जी के साथ पहुंचे, इसीलिए
बहुत बहुत प्यार से करताली धरे से मुकुंद भाई जी का भी हम सब स्वागत करते हैं। दिल्ली से जो बहन जी आई है यहाँ स्टेज पर आए वो अनु बहन सत्युग में भी हम ही लोग होंगे पर एक दो को पहचानेंगे नहीं, कम से कम अभी तो हम पहचानते हैं ना, हम सब एक बाप के बच्चे एक परिवार के हैं, कितना अच्छा लगता है। तो बाबा के हर बात हर सीन इतनी न्यारी और प्यारी और इतनी अच्छे लगते हैं जो जैसे दिल में छाप लग जाता है। बाबा ने आज की मुरली में कहा ना कि आंखों में आंसू आना चाहिए, प्यार में बाबा की याद में प्यार में आंसू आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा ने इस अंतिम घड़ी में इतना अच्छा इतना बड़ा इतना सुंदर परिवार दिया है जो हमको शायद ही सतयुग में मिलेगा, क्योंकि सतयुग में छोटा सा परिवार होगा, हर एक का अपना अपना महल होगा, अपनी अपनी राजधानी होगी, पर ये जो राजधानी है इस समय का ये हम सबको बाबा की ये वरदान है। अब आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि बाबा किसका है? देखो बाबा तो होशियार है ना, कभी विदेशों की महिमा करेगा, कभी दिल्ली वालों का करेगा, कभी बंबई का करेगा, कभी किसी स्टेट का करेगा। तो बाबा आखिर किसका है, ये पहला प्रश्न है, सोच के बताना आखिर बाबा किसका है। अच्छा, जो कहते हैं बाबा मेरा है वो हाथ उठाए, वाह रे वाह, देखो ना। पर बाबा क्या कहता है मुरली में, मैं किसका हूं? ये तो हमने बोला मेरा बाबा, ये तो अच्छी बात है, पर बाबा क्या कहता है मैं किसका हूं? बाबा किसका है? बाबा कहता है मैं गरीब निवास हूं। बाबा का नाम ही है बोला नाम। तो जो बहुत हुशार अपने को समझते हैं ना, उनसे भगवान भी थोड़ा दूर रहता है। तो बिल्कुल भावना प्रधान बोले, जो सच्चे दिल से बाबा बाबा कहते हैं उन्हीं का ही बाबा है। बाबा किसका भूखा है? बाबा को भी भूख लगता है। बाबा प्यार का भूखा है, भावना का भूखा है। भले सारी दुनिया को वो प्यार देता है, प्यार का सागर है, फिर भी बाबा हम बच्चों की प्यार का जवाब देता है। देखो आज भी बोला ना, प्यार से आंसू आना चाहिए। बाबा ने कहा था प्रिंस टू प्रिंस नहीं बनाता हूं, बेगर टू प्रिंस बनाता हूं। बाबा ने कहा जो बच्चे जिनको इस दुनिया की कोई बात नहीं उनको फिर से जाके राजा महाराजा बनाते हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनाता है। तो पहली बात ये पक्का हो जाना चाहिए, यही निश्चय होना चाहिए
जैसे आप सबने कहा कि बस बाबा मेरा है, कुछ भी है बाबा मेरा है, इसी में ही सब कुछ है, इसी एक निश्चय से ही सब कुछ पार हो जाएगा। आप सबने सोचा था कि देखो क्या बाबा ने किया है, किया ना, क्या हम लोग कर सकते हैं? किसने किया ये? बाबा ने किया। बिल्कुल मधुबन लगता है, ऐसी वासना आ रही है बिल्कुल आप सभी जैसे मधुबन में बैठे हैं। दिल में बाबा, नजरों में दादी और हम सब भाई बहने, वही मधुबन। इतनी अच्छी ऐसी वासना आती है जैसे हम लोग बिल्कुल मधुबन में बैठे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भाई कहीं सागर के किनारे बैठे हैं या कोई ऐसा नहीं। तो ये भी बाबा का राज है। क्यों बाबा इतना बड़ा पूरी में कर रहा है? भले बाबा कई बार कहते हैं दिल्ली राजधानी होगी, जमुना का कंटा फिर से कृष्ण की नगरी होगी। मैं बाबा से यही पूछता हूं, बाबा जो जगन्नाथ की इतनी बड़ी मंदिर बनी है तो क्या ये जगन्नाथ की पुरी नहीं होगी? तो जगन्नाथ के साथ जो इतने हम बच्चे हैं तो इसका भी ड्रामा में नूंद है, राज है। बाबा ने ऐसे ही नहीं बनाया यहां इतना बड़ा। बाबा ने हम सब बच्चों को इस समय पर एक बात याद दिला रहे। कौन सी बात बच्चे? ऐसे समय आएगा सो सब बच्चे भाग भाग के, जैसे आज भाग भाग के आए ना, तो पीछे का कुछ याद आ रहा है? तो बाबा के घर में ऐसे बैठे हैं जैसे बिल्कुल निश्चिंत है। तो ऐसे बच्चे भाग भाग के आएंगे बाबा के घर, तो ये स्थान भी बाबा ने ऐसा बनाया है। समय आएगा तो हमारा घर कहां है? हमारा घर ये है, ये घर याद आएगी, सीधा सीधा भाग भाग के यहां आएंगे हम, बाबा के घर जाएंगे। तो इसलिए बाबा इस समय पर चारों ओर, सिर्फ आपके पास नहीं, अन्य स्थानों पर भी बाबा इस प्रकार का बनाते जा रहा है। तो इसलिए आप सबके दिल के अंदर ये होना चाहिए कि मेरा बाबा जैसे मेरे दिल में है ऐसे ये भी मेरा घर है। तो जो कहते हैं ये भी बाबा का घर मेरा घर है, हाथ उठाओ। देखो कितनी हैंड्स चाहिए निरुपमा बहन, आने का है। हम सब बच्चों को बाबा ने ये कहा है, ऐसा समय आएगा जो बच्चे दूर दूर से भाग भाग के बाबा के पास पहुंचेंगे। ऐसा सारे भारतवर्ष में बाबा बनाता जा रहा है। वो चीज जमी आम कटक प्रोग्राम थिला, बड़ा प्रोग्राम जो थे देढ़ दि लक्ष लोक आसते सब प्रोग्राम रेकर्डिंग ताको देखे दिया जा लाइव टेलीकास्ट मध्य हो। तेणु आमर से भाई जी मधुबन करुणा भाई से पूरा जिते आमर ईश्वरीय विशाल जिते सब टेक्नोलोजी आंबा मीडिया जो सेवा कैसेट ऑडियो कैसेट वीडियो कैसेट जहाँ सब टोटल से देखुं। तेणु आम को आम मैंने ये भाग्यवान जे करुणा भाई प्रथम थर पर आल्दी जल्दी 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 जाऊँच तेणु भल कर ताली बजा। ये आपको याद दिला दे फिर से, जो कटक में जो प्रोग्राम हुआ वो
रविवार आगे में जो आने वाली रविवार है वो 3 बजे से 3:30 बजे दोपहर और 7:30 से 8 बजे दो बार आएगा इसी दिन 3 से 3:30 या 7:30 से 8 पक्का नोट करना DD1 में DD वरिया जिसको कहते हैं तो उसमें ये आएगा। आप अपने सभी मित्र संबंधियों को जहां जहां भी वरिया उड़ीसा में है उन सबको वैसे सारी इंडिया में भी देख सकते हैं हम भी मधुबन में देखेंगे ये तो आप सभी अपने मित्र संबंधियों को बताना DD1 में दूरदर्शन में ये समय पर आएगा। ओम शांति। अभी मैं उसका आप वाइस चेयरपर्सन है और टोटल जितने ऑल इंडिया में जितने बड़े मेगा प्रोग्राम होते हैं आप वहां भी जाते हैं आपको बहुत अनुभव है। आप कर्नाटक को बिलोंग करते हैं लेकिन काफी सालों से बहुत सेवा पदम भाग्यशाली आत्माएं हर कदम में व हर संकल्प में पदमों की कमाई करने वाले आत्मा है हर बोल में दूसरों को शक्ति देने वाले आत्मा है वह हर बोल एक मोती की तरह दूसरों को भी वरदान देने वाले आत्मा है। साथ साथ में स्मृति में बाप दादा को साथी बनाकर हर सेकंड हर घड़ी हम बुद्धि द्वारा बाबा का साथ है और बाप दादा का भी साथ हमारा साथ है ऐसा अनुभव करने वाले साथ साथ में तीनों लोक और तीनों कालों का अनुभव करने वाले हम बैठे कहीं भी हो बुद्धि परंदाम सूक्ष्म वतन परिस्ता की लोग यात्रा करने वाले साथ साथ में उसी समय हमारा वर्तमान भविष्य और गत काल अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनकर सत्य तेता द्वापर कलयुग और संगम युग इन सभी कालों का दर्शन कराने वाले बुद्धि साथ साथ में अभी हम सब खुशी एक ताली बजा करके परम आदरणीय दादी जी आ गए हैं स्वागत कर साथ में भी बड़ी दादी की जानकी दादी की परदादी की याद भर करके शक्ति भर करके दादी जी हम सबकी तरफ से सर्व दादियों की भी अनुभूति करा रहे हैं और ये स्थान भी सचमुच मिनी मधुबन जैसे सबको भासना आ रहा है जहाँ मधुबन निवासी भी इतने पधारे हैं। हमारे निर्भर भाई जी मोहिनी बहन जी तो तबीयत के कारण थोड़ा और काम है थोड़ा सेवा है इसीलिए कल शाम को गए हैं हम सबके भीड़ मुक्ति धाम में। मधुबन निवासी सब हमारे जो बड़े बस में आए हैं सब मंदिर के अंदर ही बहुत प्यार से घूम रहे हैं अपनी यादगार फिट कर रहे हैं। तो अभी हम सब की तरफ से हमारे करुणा भाई भी मिले मृत्युंजय भाई भी थोड़ा मिले वाइस चांसलर हमारे आए हैं श्री जगन्नाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के जो भ्राता प्रोफेसर अलोक चंद्र षडंगी जी उनको भी स्टेज पर मैं आमंत्रित करती हूँ और हमारे कुंतला आचार्य जी जय भाई भी और राजू भाई पुष्पा बहन हमारे म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन भाई सब इस छतरी पर दादी यहाँ नीचे बैठे राइट हैंड में इधर बुलाओ पानी अभी सबको भी हम स्टेज पर बुला रहे हैं सब आ जाए हमारे अभी भी VIP गेट टुगेदर 8:30 to 9:30 था सब तो स्नेही सहयोगी मधुबन कितने बार होके आए हैं निरंजन मिश्र जी कुंतला आचार्य जी
पुष्पा धोनी एवं मधुबनी जाके नमस्ते गुड मॉर्निंग बाप दादा से मिल करके भी आए विजय भाई निरुपमा बहन आप इधर आ जाओ कुछ लोगों को लग जाओ तो सबकी तरफ से हमारी कुंतला बहन कुंतला आचार्य जी जिनको जमुना लाल बजाज अवार्ड भी मिला था वो दादी जी को सम्मानित कर रहे हैं गुलदस्ता भेंट करके पुष्पाल दादी को देखा हमारी पुष्पाल दादी काफी साल विदेश में सेवा का अनुभव लेते हुए आजकल टाटा नगर सेवा केंद्र की सेवा पर है। अभी हम सब मधुबन निवासी हमारे जो बड़े ग्रुप में भाई बहन आए हैं यहाँ पहुंचे नहीं है उनकी भी स्वागत करते हैं एक एक बारी करताली ध्वनि से हम स्वागत करेंगे सबकी। और मधुबन के जो चार पांडव आए हैं हमारे वल्लभ भाई राजू भाई राजेंद्र भाई गोकुल भाई वो भी इसी कॉम्प्लेक्स में है लेकिन क्लास के बीच में आए नहीं है उनको भी आमंत्रण है। शांतनु भाई सुरेंद्र भाई किशोर भाई मधुबन के सूर्य भाई और हमारे अर्जुन भाई खुशियों दीप संग दादियों का हम करते सत्कार खुशियों का दिन आया है बधाइयों का उपहार है ज्ञान दीप संग दादियों का हम करते सत्कार बरदानी दादिया आप पधारे करते उपकार है ज्ञान दीप संग दादियों का हम करते सत्कार है खुशियों का दिन आया है बधाइयों का उपहार है ज्ञान दीप संग दादियों का हम करते सत्कार है माँ दादी माँ ओ माँ दादी माँ हमें पालना देती बन के माँ बाप हमारे जग को जीवन देती बन के साथी सहारे हमें पालना देती बन के माँ बाप हमारे जग को जीवन देती बन के साथ सहारे मधुबन में आप में मधुबन हंसती रहे मन खिलती है उपबन देते रहना दाता बनकर आपे खुशियों का दिन आया है बधाइयों का उपहार है ज्ञान दीप संग दादा
बन में आप पधारे, पूरी हुई सबकी इंतजार है। ज्ञान दीप संग दादियों का हम करते सत्कार है, खुशियों का दिन आया है, बधाइयों का उपहार है। ज्ञान दीप संग दादियों का हम करते सत्कार है, खुशियों का दिन आया है, बधाइयों का उपहार है। ज्ञान दीप संग दादियों का हम करते सत्कार है। माँ दादी माँ, ओ माँ दादी माँ, स्वागतम दादी माँ, स्वागतम दादी माँ।
और ब्रह्मा कुमारी शुभश्री बहुत प्यार से फरिश्तों की महफिल में हमारी ऊंची श्रेष्ठ फरिश्ता आदरणीय दादी जी की स्वागत का ध्यान रखी। अभी सब हम इंतजार में हैं बरदाई में। ओम शांति। हम तो आप सबको देख करके बाबा के तरफ से, बाबा भी आपको देख के बहुत 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 खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं बाबा? क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि बाबा देखते हैं कि मेरे बच्चे कितने भोले भाले, भगत भावना वाले। अभी तो भगत नहीं हो आप, अभी तो बच्चे हो, लेकिन भावना वाले हैं। तो बाबा अपने बच्चों को देख करके खुश हो रहे हैं कि कितना बच्चों ने कमाल कर दिखाई, जो भगवान को पहचान लिए। पहचान लिए है ना बाबा को? पहचाना है आतुटा जिन्होंने बाबा को पहचान लिया। अच्छा, पहचान लिया। वीआईपी ने भी पहचान लिया। अच्छा, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं देखो कितने बड़े बड़ों ने हमको नहीं पहचाना, लेकिन ये माताएं भाई ऐसे तो कहेंगे दुनिया के हिसाब से साधारण है, लेकिन भगवान के नजर में क्या है? महान। तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा, तो ऐसे मेरे विशेष बच्चों को मेरे तरफ से, ब्रह्मा बाबा की तरफ से, शिव बाबा की तरफ से पदम पदम गुना याद प्यार है। देखो कितना भाग्य है, दुनिया दुखी हो रही है, उदास हो रही है, परेशान हो रही है, और हम बच्चे खुशी में नाच रहे हैं। खुशी में नाचते हैं ना? हाँ पांडव, खुशी है ना कि कभी कभी थोड़ी चली जाती है? जानी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने अविनाशी खुशी का जायदाद हम बच्चों को दी है। तो देखो थोड़ी सी लौकिक बात भी जायदाद देता है ना, तो कितनी संभाल के रखते हैं, कार्य में लगाते हैं। ये तो बाप दादा ने, भगवान ने हमको जायदाद दी है अविनाशी खुशी की, अविनाशी सुख की, शांति की। तो इसको बहुत संभाल के रखना, कभी भी खुशी नहीं गमाना। क्यों? हम नहीं खुश होंगे तो कौन होंगे? हमारे सिवाय कोई सदा खुश रह सकता है क्या? तो हम सदा खुश है और सदा खुश रहेंगे, रहेंगे ना। बीच बीच में आवे ना कोई भी बात, तो बात को छोड़ देना, उससे सिर्फ ये सोच लेना हमको आगे के लिए क्या करना है, शक्ति अपने में भरनी है, बाकी बात को भूल जाना, बिंदी लगा देना। और आप खुशी अपनी नहीं गमाने थे,
क्योंकि इस ब्रह्मांड जीवन में ही खुशी का अनुभव होता है। दुख का अनुभव के भेंट में खुशी का अनुभव ज्यादा होता है। सत्युग में भी हम होंगे लेकिन वहां पता ही नहीं होगा ना, खुशी और गम दोनों का कंट्रास्ट फर्क नहीं होगा। अभी तो फर्क है, कल क्या थे दुखी और आज नाच रहे हैं खुशी। इसलिए खुशी कभी नहीं गमाना, प्रॉमिस कर रहे हो बाबा से, खुशी नहीं गमाएंगे पक्का। कौन सा नंबर लेंगे ये पुरी वाले, सदा खुश रहने में कितना नंबर लेंगे, क्या नंबर लेंगे, एक वन नंबर, वन बोलो। जो वन नंबर में आएंगे निश्चय रखते हैं वो हाथ उठाओ, वन नंबर में आएंगे वन। विन करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। अरे बाबा हमारे साथ है, जिसका साथी है भगवान उसको आंधी और तूफान क्या करेंगे। हिमालय जैसा पर्वत वो भी बाबा कहते हैं आप मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों के आगे राई भी नहीं रुई बन जाते। रुई यहां हाथ में रखो, ऐसे करो तो उड़ जाएंगे। तो बाबा की शक्ति से कितनी भी बड़ी हिमालय जितनी समस्या हो लेकिन वो रुई बन जाती। इसलिए सदा खुश रहने का वरदान बाबा आप पुरी निवासी बच्चों को गिफ्ट में दे रहा है। हाँ भाई वीआईपी खुशी की खुराक शिव बाबा ने आपको गिफ्ट दी है। क्यों कि बाप बच्चों को देखे खुश होता है तो क्या देगा, गिफ्ट देगा ना। तो आज पुरी निवासी बच्चों को बाबा ये गिफ्ट दे रहे हैं। और हमने देखा गवर्नमेंट ने भी कितना सहयोग दिया है, कितनी हिम्मत रख करके आपने इतनी जमीन ले ली है। खैर सत्युग में तो हमारा ही होगा लेकिन अभी भी हमने देखा तो कम स्थान नहीं दिया है, इतनी हिम्मत रखी है ना। और हिम्मत कभी नहीं गमाना, चाहे कितना भी गरीब हो लेकिन बाबा का कार्य है, बाबा का कार्य होना ही है। हमने देखा है आज हमारे संस्था का 70 वर्ष का साल शुरू हो रहा है, 70 साल हो गए हैं। तो हमने देखा है इस 70 साल के अंदर कितने असंभव बातें आई जो समझ में नहीं आता था कैसे होगा, लेकिन वो ऐसे हो गया जैसे चपटी बजाओ ना इतने में हो जाता है, ऐसे हो गए। असंभव काम भी संभव हो गए। तो ये क्या है, हम तो कह रहे थे बहनों को तो ये क्या, अरे एक एक पांडव एक एक बिंदु बिंदु लगाएंगे क्या हो जाएंगे, सिर्फ बिंदु लगाना बस, बिंदु बिंदु लगाते जाओ बढ़ता जाएगा। वैसे भी देखो ये जो स्थूल मनी होती है ना उसमें भी वृद्धि कैसे होती है, एक होता है एक बिंदी लगाई क्या हो गया 10, एक से 10, दूसरी बिंदी लगाओ 100, तीसरी लगाओ 1000, बिंदी की कमाल है ना और क्या है। तो बाबा भी हमको कहते हैं कि आप बिंदी बिंदी लगाते जाओ। हमको याद है शुरू की बातें,
जब हम कराची में भी थे, शुरुआत जब हुई संस्था की, फिर अबू में आए, फिर सेवा केंद्र शुरू हुए, तो बाबा को गरीब बच्चे बहुत प्यारे लगते और गांव वाले बच्चे बड़े प्यारे लगते। एक बार ही क्या हुआ, गांव के कोई गांव के बच्चे आए थे, तो जगह कम थी, तभी थोड़ा था स्थान रहने का, पार्टियां आती थी, अभी तो बड़ा हो गए ना, ओम शांति भवन और शांति वन, अभी तो बड़ा हो गए ना, तभी बहुत छोटा था। तो गांव वाले आए, टेंट में उसमें जगह नहीं थी, तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने अपनी झोपड़ी जहां मिलता था ना, और झोपड़ी भी ये पक्की नहीं होती थी, ये नारियल के वृक्ष के जो होते है ना, ये क्या होते पत्ते, उससे झोपड़ी बनी हुई होती थी नारियल के। तो बाबा ने कहा, हमारे गांव के प्यारे बच्चे आए हैं, इन्हों को मेरे झोपड़ी में सुला सुलाया। तो क्या हुआ, अचानक ही बारिश पड़ गई, रात्रि को 12-1 बजा होगा, बाबा की नींद खुल गई। बाबा उठा और क्या किया, अपने ऊपर जो रजाई पड़ी थी ना, सोए हुए थे तो रजाई तो डालते, चादर या रजाई, वो लेकर के बाबा के साथ बहन भी एक वहां अलग सोई हुई थी, उसको भी नहीं उठाया। बाबा अपने रजाई लेकर के गए, बच्चों को सर्दी पड़ी होगी, बारिश आ गई है, तो अपने रजाई लेकर के बाबा चल पड़े। तो वो बहन जो है वो जाग गई, बाबा आप कहाँ जा रहे हो, बाबा आप कहाँ जा रहे हो, कहा बच्चों के पास जा रहा हूँ। फिर और सारी रजाया बुला करके, उनको ओरा करके, और बाबा के सोया, तभी सोया। बाबा ने कहा मुझे नींद ही नहीं आएगी, बच्चे ऐसे सोए पड़े हैं, बाप कैसे सोएगा। तो बाबा को गरीब बच्चे बहुत प्यारे लगते, क्यों प्यारे लगते हैं, क्योंकि गरीब बच्चों की भावना बहुत होती है। हमको याद है एक माता थी, शुरू की बात है, वो सिलाई करती थी और कोई काम नहीं कर सकती थी, घर में कपड़े सिलाई करके और अपने परिवार को पालती थी। तो एक बारी क्या हुआ, उस माता को कुछ यज्ञ में भेजूं, मेरा सफल हो जाए, उसने 8 आना भेजा। उस दिनों में आने चलते थे, पैसे और आने चलते थे, 8 आना भेजा और बाबा को लिखा, बाबा मनी ऑर्डर किया, मनी ऑर्डर में तभी इतना नहीं लगता था जितना अभी डालते हैं। तो बाबा ने कहा 8 आना भेजा है, अब मनी ऑर्डर में तो और ही ज्यादा लगा होगा, लेकिन उसकी भावना थी मेरे पैसे पहुंच जाए। तो 8 आने का वो पहुंचा और उसने लिखा, बाबा मेरे ये खून की कमाई है, मैं काम करके मेरा इतना ही बचा है 8, इसलिए मैं 8 नहीं भेज रही। तो बाबा ने इतना उसको प्यार का पत्र भेजा, बच्ची तुम्हारे 8 आना नहीं है, तुम्हारे 8 करोड़ है, क्योंकि आपने भावना से भेजा है ना। शाहूकार लोग तो है ही, करना ही है उनको, कहा ना कहा करना है, सफल किया, लेकिन आपने कमाई करके मशीन चला के, कहते हमारे खून पसीने की कमाई है बाबा, आप जरूर स्वीकार करना, मैं इतना ही बेच सकती। तुम बाबा को देखो, आप 8 आना भेजेंगे, लेकिन बाबा उसको 8 पदम समझते, क्योंकि गरीब लोग
इतना ही करे तो भी उनका तो बहुत है ना, भावना का किया ना। तो देखो आपने भी कितना मिलकर के कुछ लगाया है, कुछ क्या। बाबा साकार में पहले थे ना तो ज्वेलरी का काम करते थे, तो एक बाबा का संबंधी था, चाचा मामा होते हैं ना जैसे, और बहुत शौकार था, उसको बच्चा नहीं था, तो सारी प्रॉपर्टी जो है ना उसकी जायदाद, वो कहता था मैं कहाँ करूँ कहाँ करूँ कहाँ सफल करूँ। तो बाबा से मिलने आया, ज्ञान में नहीं था लेकिन बाबा से संबंध के हिसाब से मिलने आया। उसने कहा बाबा को, साकार ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा को कहा बाबा मुझे आप सिर्फ साक्षात्कार करा दो, शिव बाबा का कराओ, आत्मा का कराओ, मतलब साक्षात्कार कराओ, मैं सारी जायदाद आपको दे दूंगा इस कार्य के लिए, मुझे सिर्फ साक्षात्कार कराओ, मेरी सारी जायदाद आपके चरणों में आ जाएंगी। बाबा ने कहा उसको, बाबा ने कहा बच्चे वैसे साक्षात्कार कराने की चाबी तो शिव बाबा के हाथ में है, ब्रह्मा बाबा के भी हाथ में नहीं। तो बाबा ने कहा ये तो मेरे हाथ में है ही नहीं। कहा मैं इतनी जायदाद की ऑफर कर रहा हूँ, आप कैसे भी करा लो ना। बाबा ने कहा देखो यहाँ कायदा नहीं है, यहाँ अनेक गरीबों के बूंद बूंद से तालाब बनना है, एक के बूंद से एक के खर्चे से नहीं चलना है, यहाँ अनेक गरीबों की बूंद बूंद पड़ने से सागर बन जाएगा, नदी बन जाएगा। तो देखो वो आश्चर्य में पड़ गया, कहता है मैं इतनी जायदाद देने के लिए तैयार हूँ और ये परवाह ही नहीं करता है जायदाद की। बाबा ने कहा कायदा ही नहीं है ना यहाँ कायदा है अनेकों का कल्याण होना है, एक का नहीं होना है। तो अनेक आत्माओं के बूंद बूंद से नदी बननी, तो आपने भी ये क्या किया है, मैदान तैयार कैसे किया, बूंद बूंद से तालाब हो गया ना, तैयार हो गया ना। तो ऐसे ही हिम्मत रखो, हिम्मत ऐसी चीज है जो असंभव से संभव कर सकते। तो आप कितने भाग्यवान हो, नदी और सागर का मेल है, हमको बताया यहाँ नदी है यहाँ सागर है, कैसा स्थान आपको मिला है, और यहाँ आने से ही वायुमंडल देखो कितना अच्छा है, शांति का, एक सागर की लहरें आ रही है। हमको तो कराची का सागर याद आया, यहाँ देखा ना, तो हम लोग छोटे होते जाते थे, बाबा हमको अमृत वेले के बाद भेजते थे घूमने के लिए, तो हमने देखा सागर को देख करके हमको पुरानी जीवन अपनी याद आई, तो बाबा कैसे हमको सागर के किनारे पर घूमने ले चलते थे। तो हिम्मत है ना आपकी, हाँ हिम्मत है, हिम्मत कभी नहीं हारना, कभी दिल शिकस्त नहीं होना, क्यों कि हमारा साथी और साथ भगवान, जिसका साथी भगवान है उसको तो कोई परवाह नहीं, माया के समस्याओं से कोई परवाह नहीं, बाकी अपनी मर्यादाओं में नियम रखना। तो खुशी कभी नहीं गमाना, हाँ खुशी गमाएगी अभी, कुछ भी हो जाए अपनी जायदाद कभी नहीं गमाना, खुश रहना और खुशी बांटो, खूब खुशी बांटो। बेचारे देखो कितने दुखी है, टेंशन 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 लगा पड़े, ऐसे टेंशन वाली दुखी परेशान आत्माओं को खुशी दो। कहा भी जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, और हमारा तो भाग्य भगवान ने बना दिया ना, अपने भाग्य को याद करो,
कल क्या थे आज क्या बन गए हैं। कल थे परेशान, आज अपने ब्राह्मण परिवार के शान में आ गए, इसलिए खुशी कभी नहीं लो। तो सभी खुश है, खुश राजी, राजी खुश राजी। राजी माना जो राज को जानता है ना वो राजी होता है। बाबा कहते हैं नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता ना। चलो कोई भी बात हुई उसके राजेंगे कहेंगे हाल क्या है, खुशहाल खुशहाल है, और चाल क्या है फरिश्तों की। कोई भी आपसे पूछेगा हाल चाल क्या है तो यही कहो खुशहाल है और फरिश्तों की चाल। बस फरिश्ते माना सदा हल्के। कोई बाबा कहते हैं मैं बोझ उठाने के लिए आया हूँ, फिर अपने सर पर क्यों रख देते। आदत होती है ना बोझ उठाने की, तो बोझ के बिना रह नहीं सकते है वो। ऐसे कई भाई ऐसे हमने मधुबन में देखे है, हार्ड वर्क के सिवाय रह नहीं सकते है क्योंकि उनकी आदत पड़ गई है ना। तो बोझ उठाने वाले को भी सर खाली खाली लगता है, बोझ उठाओ आप ये बोझ नहीं उठाना। कोई भी बोझ परेशानी का नहीं, सदा हल्के। रिश्ते क्या होते हैं हल्के, देखो ये डांस करेगी तो हल्की होके करेगी। तो रिश्ते है और सदा रिश्ते रहते हैं। आदरणीय परम आदरणीय दादी जी को जरा बात पदा खिलाए तो पदा खाते रहेंगे। आदरणीय दादी जी हम सब से प्रमेज लिए हैं, प्रतिज्ञा करके वचन दे करके हम उसको अवश्य निभाएंगे और सबको खुशी बांटेंगे। और उसके साथ साथ सुग्रस्त ब्राह्मण से बरिष्ठा को देवता के चक्कर में, अभी तो ब्राह्मण से परिश्ता क्या परिश्ता से देवता की झूला में घूमना है, तो इसीलिए पदा परिश्ता रहेंगे। यहाँ भी इस क्षेत्र को भूमि को परिश्रम की दुनिया बनाएंगे क्योंकि पूरी की दुनिया तो और थोड़ा दूर है, तो इसीलिए यहाँ दुआ करें। विशेष ये वर्षा दादी जी भी पैदल कर करके यहाँ स्टेज तक आए, उनकी चरण कमल इस धरने बोले पैदल नहीं किए हैं, तो इसीलिए कैसा पत्थर पत्थर क्या क्या था फिर भी दादी जी यहाँ तक पैदल में आए, तो इसीलिए तरण कमल पड़ा। और ये धरणी भी ये वरदानी बोल गूंज उठा यहाँ, तो ये भी फरिश्तों की संसार बन गया। हम सब अवश्य यही स्वरूप खुशी लेकर के सेवा करने के लिए जाएंगे।
जा 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 जा